वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा फिल्म सिटी में फैशन शो के दौरान लाइट गिरने से एक मॉडल की मौत हो चुकी है। दोपहर में यह हादसा होता है जिसके बाद तुरंत मॉडल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि उस महिला की मौत हो चुकी है। नोएडा में फिल्म सिटी में ये हादसा हुआ, ये तस्वीरें आप देखिए, जब रैंप वॉक ये मॉडल कर रही थी तो अचानक ये लाइट उस पर गिरती है और उसकी हालत बेहद खराब होती है, तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि 24 साल की मॉडल वंशिका चोपड़ा की मौत हो चुकी है। नोएडा में हादसे में मॉडल की मौत हुई है, इसके साथ ही एक महिला जख्मी बताई जा रही है जिसका इलाज अभी भी चल रहा है। लेकिन फैशन शो के दौरान ये महिला जिसका नाम वंशिका चोपड़ा बताया जा रहा है, वो इसी फैशन शो में रैंप वॉक करती है और अचानक जैसे ही उसके कदम आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, अचानक से ऊपर से लाइट गिरती है, जख्मी होती हैं और फिर उसके बाद पास के अस्पताल में तुरंत भर्ती करवाया गया, लेकिन मॉडल की जान जा चुकी है, मौत हो चुकी है। ये दर्दनाक हादसा आज दोपहर में हुआ, ये तस्वीरें किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल बना। इसके साथ ही इस हादसे के बाद तुरंत इस शो को बंद कर दिया गया और उसके बाद सभी की नजरें उसी महिला मॉडल पर टिकी हुई थी जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा था, लेकिन अब मौत हो चुकी है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने कब्जा करने का दावा किया था, लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि उसने बखमूत में बढ़त हासिल कर ली है। दावे के मुताबिक डोनेट्स्क के पूर्वी क्षेत्र में यूक्रेन की सेना लगातार आगे बढ़ रही है और पिछले महीने जिस बखमूत पर रूस ने कब्जे का दावा किया था वहां बढ़त बना ली है। लेकिन मॉस्को का कहना है कि कीव की सेना कहीं भी फ्रंट लाइन पर आगे नहीं बढ़ सकी है, जबकि यूक्रेन के सेना के पूर्वी कमान के प्रवक्ता के मुताबिक शनिवार को यूक्रेन की सेना ने बढ़त हासिल की, बखमूत के करीब 24 घंटे में 1.2 किलोमीटर आगे बढ़ी। वहीं जंग के मैदान से एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने लड़ती दिख रही है, जिसमें यूक्रेन की सेना ब्रेडली बख्तरबंद गाड़ियों के साथ लड़ती दिख रही है। यूक्रेन ने जहां एक तरफ रूस के कब्जे को हटाने के मकसद से जवाबी हमले की कार्रवाई शुरू कर दी है, उसी के साथ पश्चिमी मुल्कों पर यूक्रेन को लंबी दूरी तक हमला करने वाले हथियारों की मांग को पूरा करने का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। और इसी के मद्देनजर अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने यूक्रेन को ATS CMS की सप्लाई करने का प्रस्ताव पेश किया है, जिसके लिए युद्ध की शुरुआत से ही ज़ेलेंस्की बाइडेन से डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका इसलिए इन लंबी दूरी तक मिसाइल हमले को अंजाम दे सकने वाले सिस्टम को नहीं दे रहा, क्योंकि उन्हें आशंका है कि यूक्रेन इसका इस्तेमाल रूस के भीतर तक हमला करने के लिए कर सकता है। अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन में दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें राष्ट्रपति बाइडेन से यूक्रेन की जीत सुनिश्चित करने के लिए लंबी दूरी की ATS CM यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम मुहैया कराने का आह्वान किया गया। पेश किए गए प्रस्ताव में यूक्रेन को घातक हथियारों की खेप दिए जाने की डिमांड की गई और कहा गया है कि ऐसे हथियारों से यूक्रेन की सेना को